हम कहते हैं इन केस ऑफ अर्थ मून सिस्टम ऑफ सन एंड प्लैनेट सिस्टम, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है और सन के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं. दिस इज द सेंट्रल बॉडी हैविंग मास कैपिटल एम एंड दिस इज द रिवॉल्विंग बॉडी हैविंग मास स्मॉल एम. We used to say they are at gravitational force. They are at gravitational force, and that gravitational force which is always आगे जाके ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस ग्रेविटेशनल चैप्टर में हम यहां देखेंगे कि यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस इक्वल टू कैपिटल जी इनटू मास ऑफ दिस सेंट्रल बॉडी इनटू मास ऑफ दिस बॉडी विच इज रिवॉल्विंग अपॉन आर स्क्वायर. हियर आर इज दिस रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. दिस would provide the necessary centripetal force and this would be equal to mv square by r, where velocity of this body is v, its angular velocity is omega. This would be equal to m omega square r, or this would be equal to mv omega. अब इधर मैं एक बात और बता दूं, वेलोसिटी तो हमने लीनियर स्पीड से समझ लिया. व्हाट इज दिस ओमेगा? ओमेगा के लिए हमने एक तो एक्सप्रेशन लिख रखा है ये अपॉन आर और वी इक्वल टू ओमेगा आर, बट ओमेगा ने ऑल्सो रिटन एज 2 पाई बाय टाइम पीरियड. This would be defined for uniform circular motion. यदि uniform circular motion हो रहा है, for uniform circular motion, omega can also be defined as 2 pi by time period. Now, what is this time period? Time period is the time duration in which particle returns back at its same position. इधर से पार्टिकल घुमा एक पूरा चक्कर लगा के फिर वापस जब वो इधर आता है, that is termed as time period. हम कहते हैं पार्टिकल इस पॉइंट से स्टार्ट होकर जब वो दोबारा इस पॉइंट पर लौटता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई एंड द टाइम टेकन फॉर दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कैपिटल टी. Angular velocity is the rate of change of angular displacement. 2 pi is the angular displacement, and that angular displacement took place in time t. But this definition hold only for uniform circular motion. Aur dhyan rahe, Earth Moon system mein it's uniform circular motion. Moon Earth ke charon taraf constant linear speed se कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है. इस जगह पर एंगुलर वेलोसिटी का कभी कोई फर्क नहीं होता. इसी तरह से सन प्लैनेट सिस्टम में सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ कॉन्स्टेंट लीनियर
almost constant linear speed के साथ में घूम रहे हैं, almost constant angular velocity के साथ में घूम रहे हैं सभी planets का, sun के चारों तरफ revolution का time period fix है, इस तरह से angular velocity in case में define कर सकते हैं. For Earth, this time period is 365 days. Earth, sun के चारों तरफ 365 days में घूम जाती है. While for Moon, this time period is nearly 29.5 days. Moon लगभग 29 दिनों में 29.5 days में Earth के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेता है. तो इस तरह से अब मून की एंगुलर वेलोसिटी अर्थ के चारों तरफ या अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी सन के चारों तरफ या किसी भी प्लैनेट की एंगुलर वेलोसिटी डिटरमाइन कर पाते हैं. ना व्हाइल फॉर न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन सिस्टम nuclei and electron system. एक electron nuclei के चारों तरफ जब घूमता है तो वहां पर हम कैसे equation लिख सकते हैं. See, this is the nuclei. If atomic number is z, atomic number Z, it means we have got Z protons in the nuclei. If atomic number is Z, it means we have got Z protons in the nuclei, the number of protons in the nuclei is Z. In that case, charge on the nuclei एक प्रोटॉन के पास प्लस ई चार्ज होता है, प्लस ई पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका मैग्नीट्यूड ई होता है, वेयर ई इज 1.6 इंटू 10^-19. तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज प्लस जेड ई, दिस इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस प्लस जेड ई. और एक इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसके पास चार्ज होता है माइनस ई. नाउ वी यूज टू से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द कूलम्बिक फोर्स दैट वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्सेस कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अपोजिट चार्जेस में यह हमेशा अट्रैक्टिव है, अपोजिट चार्जेस में यह हमेशा अट्रैक्टिव है एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द कूलम्बिक फोर्स Fe, मैं इसको Fe से डिनोट कर रहा हूं. दिस Fe इज K इंटू ZE इंटू E बाय R स्क्वायर. दिस वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, इसे हम लिखेंगे M इंटू AR और M इंटू V स्क्वायर बाय R और m इंटू ओमेगा स्क्वायर r और m v ओमेगा. हम इस तरह से न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में यह सेंट्रीपेटल फोर्स लिखते हैं. यह k इज अ कांस्टेंट. हम 12th स्टैंडर्ड में इसको बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी 12th स्टैंडर्ड में ही है, अभी कहीं पर भी एप्लीकेशन आता है, देन वी कांट लिव द स्पेस ब्लैंक, हमको कुछ ना कुछ लिखना ही होता है और सही लिखना होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एंड दिस वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, और यह होता है मास इनटू एक्सीलरेशन रेडियली इनवर्ड एक्सीलरेशन और एम वी स्क्वायर बाय आर और एम ओमेगा स्क्वायर आर. वंस अगेन हियर एज वेल न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी इट्स अ सिचुएशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इधर भी जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है, हियर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इधर भी जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई फर्क नहीं आता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. एंड वंस अगेन वन कैन ऑलवेज राइट ओमेगा इक्वल टू 2π/T. अब एक और बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ टर्म कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. हम फ्रीक्वेंसी एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, हम एफ से डिनोट करते हैं. हाउ फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड? फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज एक सेकेंड में पार्टिकल जितनी बार सर्कुलर मोशन कर लेगा उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं. द नंबर ऑफ सर्कुलर मोशन और द नंबर ऑफ टर्न्स दैट द पार्टिकल वुड फिनिश इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में पार्टिकल जितनी बार सर्कुलर मोशन कर लेगा दैट इज टर्म्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी. अब जरा देखिए, इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, तब एक सर्कल फिनिश करने में टी टाइम, तो एक सेकेंड में द नंबर ऑफ सर्कल फिनिश्ड वुड बी इक्वल टू 1/T. फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. T is a time period, T is time period and frequency is always reciprocal of time period. Capital T time में यदि एक बार circular motion complete होता है तो एक second में 1/T times वह circular motion complete कर देगा. For example, इफ टाइम पीरियड इज, मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं इस चीज को. इफ टाइम पीरियड इज 0.25 सेकेंड्स, सपोज टाइम पीरियड इज 0.25 सेकेंड्स, मतलब एक बार सर्कुलर पाथ फिनिश करने में 0.25 सेकेंड्स, तो एक सेकेंड में वो कितनी बार सर्कुलर मोशन कर लेगा? 0.25 में एक बार, 0.5 में दूसरी बार, 0.75 में तीसरी बार और चौथी बार वो करेगा 1 सेकेंड में. मतलब एक सेकेंड में वो चार सर्कल कंप्लीट कर लेगा, चार बार सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा. मींस दिस फ्रीक्वेंसी विच इज 1/T और 1/0.25 और 4. एक सेकेंड में वो चार बार घूम जाएगा. वी यूज टू से एंगुलर वेलोसिटी मैं ऑल्सो वेट होना है 2π और 1/T की जगह फ्रीक्वेंसी लिख दिया 2πf. बट दिस एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी वुड होल्ड ओनली इफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तभी आप यह बात लिख सकते हैं, यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है तब यह दोनों एक्सप्रेशन आप कभी भी नहीं लिख पाएंगे. और इधर दोबारा मैं बता दूं, न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में भी जो मोशन होता है दैट इज ऑलवेज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ
अब मैं एक सिचुएशन और डिस्क्राइब करता हूं, उस केस में भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम पार्टिकल के सर्कुलर मोशन को देख रहे हैं और उसके डायनामिक्स को एनालाइज कर रहे हैं। Is a fixed support और इस fixed support से m mass का यह particle l length के इस thread से बना हुआ है and it's hanging. This is a fixed support. इस fixed support से एक धागा बंधा हुआ है. The length of the thread is L और इससे M mass का एक bob इस तरह से लटक रहा है. अभी ये बिल्कुल stationary है. Now what I do is originally यह इस तरह से hang कर रहा था. मैंने सिस्टम को इस सिचुएशन को इसमें इस पार्टिकल को इस तरह से होल्ड करा और इस तरह से होल्ड करने के बाद इसको मैंने इस तरह से डिस्प्लेस करा और किसी एंगल थीटा पर ऐसे ले आया. नाउ व्हाट आई डू इस तरह से लाने के बाद आई प्रोजेक्ट दिस पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस या इसको बोर्ड के अंदर की तरफ पुश करा. जब मैंने इसे बोर्ड के अंदर की तरफ पुश करा दिस पार्टिकल वुड स्टार्ट मूविंग इन दिस सर्कुलर पाथ. इस तरह से यह इस सर्कुलर पाथ में किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगेगा. कैन यू इमेजिन दिस सिचुएशन, कैन यू इमेजिन दिस मोशन? जरा बड़े ध्यान से एक और बार समझिए. एक फिक्स्ड सपोर्ट है, इससे एक धागा बंधा हुआ है. यह धागा अ थ्रेड हैविंग लेंथ ऑफ एल और इसके दूसरे एंड से एक मास एम इस तरह से लटक रहा है. सिचुएशन बिल्कुल स्टेशनरी है तो ऐसा कैसे लटकता रहेगा? हम कहेंगे इस सिचुएशन में its mass mg would be equal to tension in this thread t naught. इस केस में हम t naught equal to mg कहेंगे. किसी तरह की कोई मोशन नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है. अब हमने क्या करा, इस पार्टिकल को पकड़ के ऐसे खींचा साइड में, साइड वाइज खींचते हुए इधर ले आए. हम धागे की लेंथ अभी भी L ही है और यह अब वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाने लगा. अब इस सिचुएशन में हमने क्या करा, इस पार्टिकल को बोर्ड के अंदर की तरफ इस तरह से फेंका, इस तरह से कुछ वेलोसिटी दे दी और इस तरह से वेलोसिटी देने के बाद यह जो बॉब है या जो पेंडुलम है वह इस तरह से घूमने लगेगा और वहां पर कॉन्स्टेंटली वहां इस तरह से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा. नाउ द टास्क इज, ये असाइनमेंट इज, राइट द इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स फॉर दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन के लिए आप
डायनामिक्स की इक्वेशन इसी समय सोच समझ कर लिखिए। मैं आपको एक से डेढ़ मिनट का समय दूंगा सर, मैं आपको इस सिचुएशन को समझाना चालू कर दूं। बड़े ध्यान से इसको करने की कोशिश कीजिए। नाउ आई होप यू माइट हैव फिनिश्ड थिंकिंग ओवर द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम पर आपने साथ दे दिया होगा। मैं समझाता हूं इसको ध्यान से। सबसे पहले इस प्रॉब्लम में जो भी कुछ आपको लिखना है वो गिवन जो डेटा है उन्हीं के टर्म्स में लिखना है। आप सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए अपने हिसाब से वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस जरूर कर सकते हैं, मगर अल्टीमेटली आपको उन वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना होगा जो आपने इंट्रोड्यूस करे, और हमेशा फाइनल आंसर्स में, फाइनल एक्सप्रेशंस में उन पैरामीटर्स को ही दिखना चाहिए जो आपको दिए हुए हैं। मतलब L दिखना चाहिए, थीटा दिखना चाहिए, और पार्टिकल का मास M और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यह चीज दिखनी चाहिए। सबसे पहले यह जो पार्टिकल है, दिस पार्टिकल वुड एग्जीक्यूट अ सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस R, वेयर दिस रेडियस R would be given by, this is radius r, this is length, and radius r is perpendicular, length l is hypotenuse, it's perpendicular upon hypotenuse which is sine theta, so r is equal to l sine theta. First of all, I'll say this particle would go into a circular path of this radius. यह जो particle है, it would execute circular motion of this radius r. अब, let me draw the free body diagram. This is a particle. इस पार्टिकल पर इस थ्रेड की वजह से टेंशन T, इट वुड एक्ट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ दिस थ्रेड। जो टेंशन T है वह इस थ्रेड की लेंथ के अलॉन्ग एक्ट करेगा। इट्स वेट mg would act in vertically downward direction like this, and since it's in circular path, hence centripetal acceleration, it's constantly accelerated in radially inward direction. Yeah, now hum kehte hain इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर होगा और टेंशन का एक कंपोनेंट इधर होगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड यह एंगल थीटा होगा। व्हाट अल्टरनेट एंगल है यह, दिस वर्टिकल एंड दिस ट्रांसवर्सल, this theta, alternate angle. So this component would be T cos theta and this component would be T sin theta. While writing the equation of dynamics, जब मैं इस particle के dynamics की equation लिखूंगा तो सबसे पहले कहूंगा T cos theta would be equal to mg. This T cos theta would be equal to mg. And this T sin theta would provide the necessary centripetal force. This is
is equal to m omega square r. This t sin theta would provide the necessary centripetal force is m omega square r. मैंने इधर omega square r इसलिए लिखा क्योंकि omega term दिया हुआ है, मुझे omega के term में ही acceleration को लिखना चाहिए. मैं क्यों एक नया variable v, velocity v square by r लिखता हूँ, तो मैं एक नया variable v introduce कर रहा हूँ, anyway मुझको फिर उसको हटाना ही पड़ेगा. पहले से ही सोचता मैंने omega square r लिखा. अब once again यह r नहीं लिख सकता हूँ, r की जगह l sin theta लिखना चाहिए, तो मैं इधर लिखता हूँ t sin theta equal to m omega square l sin theta. Hence t is equal to m omega square l. अब मैं t cos theta which is equal to mg और m omega square l, इस t की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं और लिख सकता हूं m omega square l cos theta equal to mg. और omega square l cos theta equal to g. अब जो भी कुछ मुझसे पूछा गया है, यदि मुझसे एंगल पूछा गया है तो मैं लिखूंगा cos theta equal to g upon omega square l, और theta equal to cos inverse of g by omega square l. यदि मुझसे यहां theta पूछा गया है तो ये लिख दूंगा, और यदि मुझसे omega पूछा गया है तो मैं इस तरह से लिखूंगा omega square equal to g by l cos theta और omega equal to under root of g by l into cos theta. The more important is writing this equation of dynamics properly, और उसके बाद फिर problem में जो भी कुछ पूछा गया है you will solve it accordingly. Situation को देखोगे क्या पूछा गया है उस हिसाब से आप solve करोगे. The more important is कि इस बात को समझना कि इधर जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका रेडियस कैसे लिखा जाए, उसके रेडियस और लेंथ को कैसे रिलेट करा जाए. फिर इस बात को समझा जाए कि हेड में टेंशन उसकी लेंथ के अलोंग होगा, और इस टेंशन के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस कर देगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो t sin थीटा दिख रहा है दिस वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. यह t sin थीटा सेंट्रिपिटल फोर्स है, इसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहेंगे. और यह सेंट्रिपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r. और फिर इसको सॉल्व करना, दैट इज r की जगह यहां लिख दिया एंड देन देखिए अभी तक हम सर्कुलर मोशन यहां तक पढ़ लिए हैं, हमने सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन यह टर्म इस्तेमाल कर लिया, सेंट्रिपिटल फोर्स यह टर्म इस्तेमाल कर लिया, मगर एक बात सोचे हैं, अभी तक कहीं पर भी मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल वर्ड यह इस्तेमाल नहीं करा. अभी तक कहीं पर भी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं इसमें कहीं पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल टर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ है. अब
मैं इसी सर्कुलर मोशन को अलग तरीके से देखूंगा, अलग रेफरेंस फ्रेम में देखूंगा और एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा, द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मगर उसके पहले लेट मी डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम मीन्स द स्टेट ऑफ द ऑब्जर्वर। कोई ऑब्जर्वर है, वो किसी फिनोमेना को, किसी इवेंट को देख रहा है, किसी मूविंग पार्टिकल को देख रहा है, किसी मूविंग सिस्टम को देख रहा है। तो वह जो ऑब्जर्वर है, दैट ऑब्जर्वर इज कॉल्ड अ रेफरेंस, उसे हम रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। जब एक ऑब्जर्वर किसी दूसरे सिस्टम को देख रहा है, वो सिस्टम के मोशन को देख रहा है, वी कॉल इट अ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस समय स्टेशनरी हूं, आई एम ऑब्जर्विंग समथिंग। हो सकता है एक पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा हो और वो ट्रेन से बाहर की कोई चीज को देख रहा हो सकता है ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन ट्रेन के ही अंदर किसी फिनोमेना को देख रहा हो सकता है एक ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन बगल वाली ट्रेन को देख रहा हो सकता है अर्थ से बैठकर मैं मून को ऑब्जर्व करूं, हो सकता है सन से मैं मून को ऑब्जर्व करूं। वी यूज टू से ऑल दिस आर द डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, एनी रेफरेंस फ्रेम विच इज नॉन एक्सीलरेटेड। यदि कोई सभी रेफरेंस फ्रेम नॉन एक्सीलरेटेड है, देन दैट रेफरेंस फ्रेम इज टर्म्ड एज अ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इज नॉन एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वह रेफरेंस फ्रेम होता है जो नॉन एक्सीलरेटेड है, जिसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा। इट मे आइदर बी स्टेशनरी और इट मे बी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। इट मे बी स्टेशनरी और मूविंग कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। यदि कोई रेफरेंस फ्रेम बिल्कुल स्टेशनरी हो, तब भी हम उसे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहेंगे, और यदि रेफरेंस फ्रेम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ, फिक्स वेलोसिटी के साथ, फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इन दैट केस एस वेल द रेफरेंस फ्रेम इज टर्म्ड एज इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इट्स नॉन एक्सीलरेटेड रेफरेंस। While a non-inertial frame is any
एनी एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम किसी भी तरह से एनी एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम कोई सभी रेफरेंस फ्रेम यदि एक्सीलरेट हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह से तो उस एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। अब खास बात, हम सर्कुलर मोशन को इन दो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे और फिर उस डिफरेंस को समझेंगे और इन दो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्व करने पर हम वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट किस तरह से ऐड करेंगे वही बात मैं आपको समझाऊंगा। एक बात, यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल किसी दूसरी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है, इस सिचुएशन में हम रेफरेंस फ्रेम कैसा कहेंगे? इट्स इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। हम कहते हैं सर्कुलर मोशन करता हुआ कोई सा भी पार्टिकल हमेशा कॉन्स्टेंटली रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड होता है। वह एक एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम है और ऐसे एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम को हम हमेशा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। मैं इन्हीं दोनों रेफरेंस फ्रेम में सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व कराऊंगा मेरे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर इनफैक्ट सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट वाइज लास्ट लेक्चर होगा। अगले लेक्चर में मैं सर्कुलर मोशन के सारे सारे कंसेप्ट समझा के फिनिश कर दूंगा और उसके साथ ही आपको स्टडी पैकेज अब तेजी से कर लेना चाहिए क्योंकि अगले लेक्चर के बाद मैं सर्कुलर मोशन का डिस्कशन कराऊंगा। आपके जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, उनको डिस्कस कराऊंगा। डाउट्स डिस्कस करने के दौरान हम सर्कुलर मोशन के और भी अलग अलग एस्पेक्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे, दिमाग में समझेंगे, इसको बिल्कुल क्लियर बनाएंगे। आई ट्राई टू डिस्कस अ मिनिमम ऑफ 20 प्रॉब्लम्स इन द क्लास। क्लास में मैं कम से कम 20 प्रॉब्लम सर्कुलर मोशन के डिस्कस कराना चाहता हूं सो दैट ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ जाए और एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला कोई सभी सवाल को आप कर सके। आज के लिए मैं इतना ही करता हूं। एक और